नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता झारखंड की राजधानी रांची की सड़क पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे माहौल जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या माहौल है रांची का? माहौल तो बहुत गंदा है सर। यहाँ पे क्या है, ये हेमंत सरकार जो है ना, पानी पी ले ले है सर, पानी पी ले ले। हाँ। यही चाहिए या बदलाव? बदलाव चाहिए सर। क्या किससे उम्मीद है? आपका थोड़ा सा माइक इधर लगे, इधर आवाज जाए। भाजपा हेमंत सरकार, भाजपा माइक छोड़िए पहले। भाजपा क्या लगता है? नहीं, हेमंत तुरंत सब सही है। मैं भाजपा है ना, आत्मा में चल जाएगा, मगर रह गया कि हेमंत तुरंत सही है। इधर लाइए, इधर लाइए, बता चोर। हम बताते हैं आपको कि विधानसभा में टोटल 81 सीट है ना, है कि नहीं है? और आप ये बोल रहे हैं कि इस बार हेमंत सरकार बनेगा या नहीं बनेगा, इसका हम बताते हैं आपको पूरा तरह से कि नहीं बनेगा। इस साल आएगा, हम लोग बदलाव चाहते हैं। ये फ्लाई ओवर, मेरी बात सुनिए, ये जब फ्लाई ओवर बनने वाला था, ये जब फ्लाई ओवर बनने वाला था, कितना साल हो गया इसका? 10 साल या 12 साल होने वाला है, या 8 साल होने वाला है, ठीक है ना? आपका इसका जो शिलान्यास किया था, एक सेकंड रुके, इसका जो शिलान्यास किया था रघुवर दास किया था, ठीक है ना, बनने का। जब रघुवर दास का थी, जब पीरियड खत्म हुआ, जब इधर हेमंत सोरेन आए, तब इस ब्रिज को बनाया जा रहा था, ठीक है ना? और इसमें 8 साल लग गया, 8 साल लग गया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्राइम रेशियो देखिए, हेमंत सरकार में क्राइम रेशियो ज्यादा है, ये चीज को देखिए। हमें डेवलपमेंट चाहिए, चोरी होता है। आप जेएमएम की सरकार बने हमें फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी की सरकार बने हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें विकास चाहिए, डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट। हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, यही सरकार चाहिए, नहीं हो रहा है। हमें सीपी सिंह बदला, सीपी सिंह को बदलने वाले हैं। तो महुआ मांझी का बड़ा भाई चाहिए, महुआ मांझी चाहिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट करते, वो राज्यसभा सांसद होते हुए भी यहाँ लोगों को मदद किया। आप तो दो तरफी बात कर रहे हैं, क्या चुनना बीजेपी को चाहते और जिताएंगे आप? सर, बीजेपी ने बीजेपी ने टिकट गलती से सीपी सिंह को दे दिया, तो आप ये बताइए किस ओर जाएंगे, ये डिसाइड करिए। महुआ मांझी और वही जीतेंगे, उनका वोट भी है यहाँ पे, समझे ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है, भैया के बोलने से नहीं होगा। कौन जीतेगा? सीपी सिंह ही जीतेगा, और कोई नहीं। ये क्या माहौल है यहाँ? बीजेपी ने सीपी सिंह को टिकट देके, अभी देखिए चुनाव आया है, तो जो 1000 जो महिला को दिया जा रहा है अभी, क्या महिला योजना क्या दिया जा रहा है? 1000 रुपया महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना। देखिये, अभी इलेक्शन आया है तो बोल रहे हैं कि 2500 रुपया कर दिया जाएगा। ऐसी कैंडिडेट है, बेहतरीन बोले आप, ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। उन्होंने सीपी सिंह 1 लाख से जीत रहा है, सीपी सिंह जीतेंगे बोल तो दिए आपको। सीपी सिंह जीत रहे हैं, सीपी सिंह जीतेंगे। भैया क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू जी क्या माहौल है? एमएम आ रहा फिर से माहौल का, ये तो जेएमएम आ रहा है, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाँ जी, जेएमएम आ रहा है, काम किया है, अच्छा सरकार है। बीजेपी का देखिए, केंद्र में सरकार है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो राज्य में देखिए, केंद्र में मोदी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य में स्थानीय सरकार होना चाहिए। अच्छा, ये आदिवासियों के लिए काम किया नहीं किया? किसे नहीं किया है? राम गाड़ी का प्रलाग लेकर आया है, ये आपका पेंशन योजना लेकर आया है, काम क्या हेमंत की योजना से खुश है नहीं? हाँ, थोड़ा मोड़ा योजना जो आया है, ये मैया योजना के बारे में हमको पता चला है कुछ दिन पहले की 1000 रुपए हर महीने हर प्रति मतलब महिला या बच्ची को दिया जाएगा, तो ये पुरुषों के लिए भी होना चाहिए ना भैया? ये तो पुरुषों महिला योजना हो गया, तो सब महिला योजना, तो महुआ योजना भी तो होना चाहिए। भैया रांची में क्या माहौल है? रांची में माहौल है, बीजेपी का माहौल है, जो दीपक सिंह एकदम जीतेंगे। और ये जो महिला योजना लागू किया है हेमंत सोरेन, ये तो इसलिए लागू किया, पूरा 5 साल में तो एक ही बार दिया ना, आगे तो दिया नहीं। और ये इसलिए किया है कि सत्ता में आएंगे तो ये लगातार चला नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार में इसका कितना बोझ पड़ रहा है, आर्थिक बोझ कितना पड़ रहा है झारखंड सरकार को, ये रेगुलर दे नहीं सकता है। लोग इस झांसे में ना रहे कि 5 साल नहीं दिया, एक बार दे दिया। वो भी तो गोगो दीदी की बात करते हैं, बात करता है। आप देखिए ना, इसी के इंडिया अलायंस के हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में क्या हालत करके रखा है, कर्नाटक में क्या हालत करके रखा है। अलायंस नहीं चलेगा, ये अलायंस नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा मानते हैं, लेकिन यही की गवर्नमेंट जो हमारे यूपी में है, क्या वहाँ रोजगार का काम हो रहा है? रोजगार का काम बिल्कुल हो रहा है। क्या काम हो रहा है वहाँ भी बच्चे? गुजरात में बीजेपी का सरकार देखिए ना, जो एयरक्राफ्ट वाला जो मैन्युफैक्चरिंग हब कल है उसका उद्घाटन हुआ है, हर जगह हो रहा है। तुरंत रिजल्ट तो नहीं आएगा ना। चाहिए योगी जी, योगी बुलडोजर। सुनिए भैया, एलएनटी जो काम करता है, जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से रांची में भी काम किया है, आपको पता है एलएनटी के बारे में, इतनी बड़ा कंपनी है, आप देख रहे हैं, जानते हैं हमारे नितिन गडकरी को जानते होंगे आप, अच्छे से जानते हैं उनका, जितना भी एक्सप्रेस वे बना है वो किसके किसके सांसद है मालूम है, पथ निर्माण मंत्री है, नागपुर से होके आए हैं। ये थी रांची के फ्लाईओवर के पास से पब्लिक की बात। गाड़ी में बैठ के आगे वाले जा रहे।